मैं पद्मनाभ आचार्य आचार्य ब्राह्मण सुधार सभा बहानवी भोरंज हमीरपुर की तरफ से लोहड़ी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मेरी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके उपलक्ष्य में एक सिद्धांत स्तोत्र वर्णन कर रहा हूँ। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण्य लिंप निर्झरी बिलोलबी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वाल लाट पट्ट पाव के किशोर चंद्र शेखरे रति प्रत्यक्ष नम जटा तभी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले बलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन्य नाद बड्ड मरवेयम चिकार चंड तांडवम तुनो तुना शिवा शिवम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर छफुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरादि पदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगला शफुट फणा मणि प्रभात कदम्ब कुंकुम मंद्रव प्रलिप्त दिग्वधु मुखे मदांत सिंधुर शफुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं विभर्तु भूत भर्तरे ललाट चत्वर ज्वल धनंजयाश पुलिंग भा निपीत पंच सायकम नमन्य लिंप नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महंक पाली संपदे शिरो जटाल वस्तुना सहस्र लोचन प्रभत्य शेख लेख शेखरा प्रसूर्ण धूलि धोरणी विधुश्रांघ्रि पीठ भू भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूट का श्रिय चिराये जायता चुकोर बंधु शेखरा कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक्षिलीपिनी त्रिलोचने रतिर मम निवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर शुरत कुहु निशीथिनी तमा प्रबंध बद्ध कंधरा निलिंप निर्झरी धरस्तु नोतु कृति सिंधुरा कला निधान बंधुरा श्रिय जगत धुरंधरा प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा विलंब कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम समर्चिदम पुरक्षिदम भवच्छिदम खच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमर्त कच्छिदम भजे अखर्व शर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम सम्रांतकम पुरांतकम भवांतकम मुखांतकम गजांत कांत कांतकम तमंत कांतकम भजे जयत्वद भ्रविभ्रमं सफुरत भुजंग मस्वस दुर निर्गमं क्रमं सफुरत कराल भाल आप्रवात धमे दे धमे ध्वनं मृतंग तुंग मंगले ध्वन क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवा शिव दृश्यद्विचित्रतर्प्योर भुजंग मुक्ति कसरजो गरिष्ठ रतन लोष्टियो सुदुपक्ष पक्षयो त्रिनारविंद चक्षुषो प्रजा मही महेन्द्रियो संप्रवर्तिका कदा सदा शिवम भजामि हम कदानि लिप्प निर्झरी निकुंज कोटरेवशं विमुक्त दुर्मती सदाशिरस्त मंजलिं बहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लगन का शिवेति मंत्र मुचन कदा सदा सुखे भवाम्य हम निलिंप नाथ नागरी कदम्ब मौली मल्लिका निगुंभ निर्झर क्षरण मधुश्री का मनोहरा तुनो तुनो मनोबुदम विनोदिनी महर्निशं परश्रियं परं पदं दंगजत्व सांचया प्रचंड बाट बांधले प्रभासु प्रचारिणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जना बहुत जल्पना विमुक्त बाम लोचना विवाह कालित ध्वनि शिवेति मंत्र भूषणा जगज्याय जायताम इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोत्यमं स्तभम इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोत्यमं स्तभम पठन स्मरण कुर्वन्नरो विशुद्धि मेति संततम हरे गुरौ सुभक्ति मासु याति नान्यथा गतिम विमोहनम हि देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यासम पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरामर्थ गजेन्द्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुख्यम प्रददात शंभो मंत्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं महेश्वरा यत पूजितं मया देव परिपूर्णं तदास्तु मे यदक्षरं पदभ्रष्टञ्च मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवो प्रसीदः परमेश्वरः शान्ति शांति शांति शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ये जो मैंने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया इसका महत्व ये है कि दशकंध रावण ने इसका पाठ किया था, शिव जी की स्तुति की थी, तो किस लिए की थी कि शिव जी भगवान ने उसको जो चाहा मुंह मांगा वरदान दे दिया, मुंह मांगा वरदान दे दिया। यदि
मनुष्य जो है इसको कंठस्थ याद कर लेता है तो उसके जीवन में कोई ऐसी कमी नहीं रहे जो कि भगवान पूरी ना करे। इसको करने का मतलब ये है कि सभी इच्छाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं अगर इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाए और कंठस्थ ये याद हो जाए। तभी किया है, हमारी संस्कृति जो है इसी पर निर्भर करती है। क्यों ये लोग बाहर भटक रहे हैं? जो इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं वो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहेंगे। आज की नई पीढ़ी जो है वो इससे वंचित हो गई है, क्योंकि वो इसका पाठ करना तो बहुत दूर रहा लेकिन लोग इस संस्कृति की ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ यहीं विश्राम दे देता हूँ ताकि लोगों को ये बात समझ में आ सके।